हे एवरीवन, इट्स मी हमजे एंड यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं तो उम्मीद करता हूँ जी, अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जिसका टाइटल है जनाब के अरविंद केजरीवाल तो EDS है। पता नहीं EDS ही लिखा हुआ है या फिर इसका कोई और मीनिंग है। ठीक है, हिंदू जोन की तरफ से वीडियो है, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अब पता नहीं इन्होंने ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को एड्स है या EDS, थोड़ा हो सकता है क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसी आ रही है। बहरहाल हम जब वीडियो देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल ही जाएगी। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जी, 3-2-1 एन। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला भाई? प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है, तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। हमने कल ही वीडियो देखा था, 156 सीटें मिली हैं बीजेपी को। मैं 22 साल से प्ले स्कूल चला रही हूँ, हर साल मेरे पास एक मोमडन बहन आती है और बोलती है 10 बच्चे हैं मैडम, फीस कैसे दूं? और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करो यार, अल्लाह की देन नहीं है, तुम जो करते हो ना उसकी वजह से आते हैं। शेयर से करूंगा, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। आज उन्होंने 10 कहे, कल ये भी कह सकते हैं हमारे 100 बच्चे होते हैं, इसलिए ये बातें सुनने की हमको आदत है। हम रोजाना अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे शो देखो, खुश हो कि हमारे बारे में क्या क्या चल रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने एक शेर बोला कि सच घटे या बढ़े को सच सच न रहे, मगर झूठ की कोई इंतहा नहीं। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूँ मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता है। ये बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों अगली क्लिप में देखिए आप क्रिकेट के कुल देवता और भारतीय राजनीति के सबसे धूर्त इंसान की हिपोक्रेसी। धूर्त क्या होते हैं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं? मैंने कभी देशद्रोही नहीं, इसका तो वीडियो है, दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया, कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। भूल जाते हैं यार, ये तो फिर मारने जाएगा, यू टर्न लेते हैं, फिर मारने जाएगा, बहुत खाएगा। अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास, दोस्तों तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान जाएंगे कुमार विश्वास? एक तो होता है कि पता ना होना आपके बारे में ना, और एक बात होता है कंफर्म होना। तो वो जो आप कह रहे हैं, पहले पता नहीं था, अब कंफर्म है। क्या कंफर्म है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जरा पूछिए क्या कंफर्म है। कंफर्म यह है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो मधुमेह है। आप मेहनत कराइए, दौड़ाइए, उन्हें कराइए, थोड़ा करिए तो ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए, भागिए, पसीना भागिए, काम है ना, ठीक हो गया।
कांग्रेस है वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है जी। काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, फिर निकल आता है। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स है जी। अच्छा, एड्स ही बोला था, ठीक है। बदल क्यों गए? क्यों, वो भी सामान्य परिवार से आते हैं। एड्स बोले, बवासीर नहीं बोले हैं। मैं राम पर बोल रहा हूँ, जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप में देखिए प्रेम शुक्ला ने किस प्रकार नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के सारे खानदान को एक्सपोज कर दिया। 2014 के बाद ये परिस्थिति विकट होती जा रही है, जिम्मेदार आप हैं? नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार आप हैं? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिसका पहला प्रधानमंत्री कहता है हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिता हिंदू, जिनकी माता हिंदू, वो एक्सीडेंटल हिंदू कैसे हो गए? आप लोगों के मन में सवाल आता है कि नहीं आता है? इसी तरह से उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आती है, गोपाष्टमी के दिन करपात्री महाराज के नेतृत्व में आए गौ भक्तों का नरसंहार कराती है। उसके बाद श्रीमान राजीव गांधी आते हैं, हमारे हिंदुओं की जो रक्षा करने के लिए जो सिख बने उन सिखों का नरसंहार, 10,000 लोगों का नरसंहार करा दिया जाता है और कह दिया जाता है बड़ा पेड़ जो जब गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी आती है, श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह देते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों संकेत मुसलमानों का है। उसके बाद उनके स्वयं के पुत्र राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत टीवी से कह देते हैं कि ये जो है हिंदुओं से हिंदू आतंकवाद लश्कर तोयबा से ज्यादा घातक और खतरनाक है। उसके बाद की स्थिति ये होती है, को कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स तो इसी चीज का नाम है आजकल, एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। अपने जिगर पे हाथ रख के सोचिए कि क्या कभी मनमोहन जी ने कहा है कि पसमांदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है? कभी नहीं कहा। सिर्फ मोदी जी ने, एजुकेशन बहुत जरूरी है, मदरसों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के हर स्तर से सोच रहे हैं कि मुसलमान आगे आए। मोदी जी हर इंडियन का सोच रहे हैं, जितना अब तक मैंने कंटेंट देखा है। खिलाफ है मोदी जी, किसी के खिलाफ नहीं है मोदी जी, 130 करोड़ जनता के साथ है, वो निरंतर प्रयास करते हैं। दोनों को श्री कृष्ण नजर आ गए तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए, क्या मजाक है? सुना तो दो कौड़ी के जाहिल हो ऐसी, किसी के सपने में वो योगी हो या अखिलेश हो ये अलग मुद्दा है, मैं तेरी फितरत दिखा रहा हूं, तेरे अंदर का जो जहर है या फ्रस्ट्रेशन है वो निकल के बाहर आ रहा है। कृष्ण जी सपने में आ गए तो तू कह रहा है क्या मजाक है, जाके सरकार बना लो, कहो कृष्ण जी सपने में आए थे, यही बोला है ना? तो तू जो बोल रहा था कि अल्लाह मोदी को हराएगा तो फिर तू क्यों चुनाव लड़ता है ना? मस्जिद में बैठ के दुआ मांग, अल्लाह हरा देगा मोदी को, तू क्या प्रचार कर रहा है? तू क्या गली गली घूम रहा है धक्के खाता हुआ? ये जो होते हैं ना पॉलिटिकल मुल्ला, इनको सरकार बना देंगे वो तेरे लिए मजाक है और मोदी को अल्लाह हरा देगा ये तेरे लिए सही है। और दोस्तों, अगले क्लिप में देखिए कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराने का बहुत ही अच्छा तरीका। जय श्री राम। 3 जय श्री राम। 4 जय श्री राम। 5 जय श्री राम। 6 जय श्री राम। 7 जय श्री राम। 8 जय श्री राम। 9 जय श्री राम। 10 जय श्री राम। अटेंडेंस हो रही है। 11 दीना शर्मा। 12 जय श्री राम। 13 जय श्री राम। 14 आदरणीय गोविंद सिंह जी, लव करने पे रोग नहीं है, पर जो लोग नाम बदल करके, जाति बदल कर, धर्म बदल कर जो जिहादी लव करता है वो लव जिहाद कहलाता है, और ये मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। हम मध्य प्रदेश में आने वाले 2-4 साल में ये स्थिति कर देंगे कि जो लव जिहाद वाले हैं ना, लव जिहाद करना तो दूर, नाम लेने से कांप जाएंगे। ओके, तो सारी चीज़ें ही कवर हुई इस वीडियो में, मतलब टाइटल अरविंद केजरीवाल को एड्स है। तो एड्स है बेसिकली, मुझे लगता है ट्रांसलेशन जो है ना इस दफ़ा हमें सही नहीं मिली, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर हर दफ़ा तो सही नहीं जवाब दे पाएगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि उन पॉलिटिकल एंटिटीज़ को एक्सपोज किया गया है जो कि डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं अमंग द पीपल, मतलब मज़हब की बेस पे, और आप कह लें पार्टी या फिर आप ये कह लें कि रंग नस्ल ज़ात, इस बेस पे जो है ना डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बड़े अच्छे से एक्सपोज किया गया। और देखें, हम एक चीज़ का मुझे प्रॉब्लम नज़र आया है, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान के हों, चाहे वो
मुस्लिम पॉलिटिशियंस इंडिया के हों, उनकी सोच बड़ी मिलती जुलती है वहाँ के जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, पर्टिकुलरली जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमानों में के जो है ना ख़ुद को रिस्पेक्ट चाहिए अपने प्रॉफिट के लिए। हम सब कहते हैं रिस्पेक्ट चाहिए हमें अपने दीन के तरफ, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन जब बात आती है किसी और के प्रॉफिट कह लें, किसी और के गॉड कह लें, किसी और के रिलीजियस टेक्स्ट को कह रहे हैं, या थ्रू आउट द पूरे हॉल रिलीजन को रिस्पेक्ट देने की बात आती है, तो वहाँ हम मजाक उड़ाते हैं। मतलब ये चीज़ हमने अवैसी के उसमें देखी कि यार किसी ने बयान दिया होगा कि कृष्ण जी मेरे सपने में आ गए, तो वो उसका सरकेस्टिकली मजाक उड़ा रहे। भाई तू मतलब किसी के रिलीजियस जो है ना जज्बात को तू ठेस पहुँचा रहे जस्ट बिकॉज कि तुझे अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, ये तो बड़ी गलत बात है। ये आपकी ज़हनियत को शो करती है कि आप अंदर से क्या हैं। बाहर आप जितने भी अच्छे कपड़े परफ्यूम लगा लें, लेकिन अंदर जो गंद और जो बदबू आपके दिमाग में भरी हुई है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपोज हो ही जाती है। तो मुझे हमेशा ये ऑब्जेक्शन रहा है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बार बार, और मतलब हर चीज़ में डिमांड कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। आप बराबर का कंट्रीब्यूट करें अपने नेशनल डेवलपमेंट में, तो आपको हर कोई अच्छा समझेगा। लेकिन जब आपको कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना और हर वक्त बस मांगना है, तो फिर ये गलत बात हो जाती है। तो अच्छा था वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट था जो इस वीडियो बनाने वाले ने वैलिड ना दिखाया हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से वो वैलिड मुझे तो लगा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और जितने भी ख़ास तौर पे मुस्लिम्स इस चीज़ को देखें, औलाद अल्लाह की नेमत है नो डाउट, लेकिन वो किसी प्रोसीजर से आती है, ठीक है। और इतनी अगर मैं क्या बोलूँ, बच्चे भी देख रहे होंगे, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है ना, तो आपको पता है कि क्या होता है, मेटिंग होती है, देन समझ रहे हो, एंड ऑल दैट एडल्ट स्टफ़। तो उस तरह से बच्चे आते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं होता फरिश्ते आके पेट में रख जाते हैं, परियां आती हैं। तो ये कहना कि अल्लाह की देन है सर, ऐसा हर चीज़ को वहाँ ना मोड़ दिया करो, कुछ आपकी अपनी मेहनत होती है। तो बराए मेहरबानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। देखें आप एक बच्चे या दो बच्चे को जितना अच्छा एक एनवायरनमेंट और तालीम और उसका रहन सहन दे सकते हैं ना, वो आप 10 बच्चों को एक साथ नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है और आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, तो कर लो। लेकिन जब आपके रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप खुद दो वक्त की रोटी मुश्किल से खाओ और बच्चे आपने 10 करने हैं, तो क्यों जुल्म कर रहे हो यार उन नन्ही सी जान पे भी और मुल्क पे भी, हैं। आई होप पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप सब तवज्जो देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।